2020-2021 इन सवा सालों में जो कोरोना महामारी ने जो हाहाकार मचाया हुआ था और इस दौरान में जिन लोगों का इंतकाल हुआ है, जिनका देहांत कोरोना महामारी के दौरान हुआ है, ऐसे लोगों की अंत्यविधि और तदफीन के लिए परभनी महानगर पालिका ने 65 लाख रुपये खर्च किए हैं, ऐसा बताया गया है। तो इसी की मालूमात परभनी महानगर पालिका प्रभाग 6 से सैयद इमरान लाला हुसैनी, इन्होंने इसकी मालूमात मांगी है कि 65 लाख रुपये जो खर्च किए गए हैं और बताया गया है कि ये 65 लाख रुपये अंत्यविधि और तदफीन के लिए खर्च किए गए हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि ये 65 लाख रुपये किन परिवारों के अंत्यविधि पर और तदफीन पर खर्च किए गए हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके एड्रेस दिए जाए, ऐसी मालूमात का एक निवेदन आज उन्होंने दिया है। हम बात करते हैं, हमारे साथ सैयद इमरान लाला हुसैनी है, उनसे बात करते हैं। सैयद साहब, जो आज आपने जो निवेदन दिया है कि जो 65 लाख रुपये परभनी महानगर पालिका ने ऐसे लोगों पर खर्च किए जिनकी अंत्यविधि तदफीन की गई और ये 65 लाख रुपये 15 सालों में खर्च किए गए, ऐसा बताया गया है, और आपने जो मालूम मांगी है क्या बताया गया है आपको, और ये मालूम में और तफसली क्या मालूम है ये आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेपर प्रसार माध्यम के ज़रिए मुझे इस बात की इत्तला मिली है कि कोरोना महामारी के अंदर जो लोगों का इंतकाल हुआ है या जो जिनका देहांत हुआ है उनके ऊपर महानगर पालिका ने 65 लाख रुपए खर्चा किए हैं। ये सुनने के बाद मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, ये मेरे दिल को भाने वाली चीज़ नहीं थी कि 65 लाख रुपये महापालिका ने 15 साल में खर्च की। ये बता रहे हैं कि भाई तदफीन, दफन विधि और अंतिम संस्कार के लिए हमने ये सब किया है। तो मैं आज महानगर पालिका के हमारे आयुक्त देवीदास पवार साहब को एक निवेदन दिया हूँ कि भाई पिछले 15 साल में जो 65 लाख रुपए का जो आंकड़ा आया कि महापालिका ने कोरोना महामारी के अंदर जो लोग इंतकाल कर गए, जो मैयत हो गए, उनके अंतिम संस्कार और दफन विधि के लिए किया है, उसका मैं पूरा ब्यौरा और पूरी मालूम उनसे मांगा है कि भाई ये इतना पैसा आपने 15 साल में खर्च किए तो कहाँ खर्च किए। अगर कोई मुस्लिम समाज का अगर व्यक्ति इंतकाल कर जाता है तो उसके दफन विधि को क्या क्या महापालिका ने प्रोवाइड किया, या कोई हिंदू समाज का व्यक्ति उसकी अगर कोरोना महामारी के अंदर इसमें डेथ हो जाती है उसके अंतिम संस्कार में महानगर पालिका ने क्या की, ये 65 लाख का जो आंकड़ा है ये मेरे को दिल को लगने वाली चीज़ नहीं है और मेरे को इसमें थोड़ा सा शक व शुबा हुआ, इसलिए मैं आज आयुक्त साहब को एक लेटर दिया हूँ कि बाबा ये मेरे को इसकी पूरी डिटेल दीजिए, यार जितने लोग मरे हैं उनके रिश्तेदारों के नातेवाईक के मोबाइल नंबर दीजिए, और अगर सच में ये एक अंतिम विधि का, दफन विधि का ये जो काम है ये एक बहुत बड़ा इंसानी फरीज़ा है, अगर सच में महानगर पालिका ने ये सब किया है तो हम एज ए लोक प्रतिनिधि हम भी इसमें अपना योगदान देना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत नेक काम है और एक बहुत अखलाकी फरीज़ा है। मगर मेरे को ये नहीं लगता कि भाई समाज में इतना बदलाव आ गया है या समाज इतना बदल चुका है कि अपने रिश्तेदार की मैयत या अपने रिश्तेदार की अंतिम विधि के लिए वो महापालिका के ऊपर कि भाई ये खर्च महापालिका ने करना, इतना बदलाव तो समाज में आज नहीं आया। गरीब से गरीब आदमी भी रहा तो वो अपने रिश्तेदार की, अपने नातेवाईक की अंतिम विधि, दफन विधि, तदफीन के लिए पैसों की तजवीज़ करता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, एक रिक्शा वाला हो या करोड़ोंपति हो। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा खटक रही है, इसलिए मैं आज आयुक्त साहब को इसकी माहिती मंगा हूँ। अब देखते हैं, आज मैं लेटर दिया हूँ, अब आयुक्त साहब इसका क्या जवाब देंगे, महापालिका क्या जवाब देंगे, उसके आगे इसकी स्ट्रेटजी हम करेंगे। और अगर ये सच में अगर काम किया है तो इसमें हम योगदान करेंगे हमारी तरफ से, और अगर इसमें कुछ अफरा तफरी का अगर मामला है तो फिर इसमें जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बीते 15 सालों में जो कोरोना महामारी से परभनी शहर महानगर पालिका हद में जो लोगों का इंतकाल हुआ है, जिनका देहांत हुआ है पूरे 15 सालों के इस दौर में, और चाहे फिर वो किसी भी जात मज़हब के और मिल्लत के मानने वाले लोग क्यों ना हो, लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि किसी के पास मैयत या फिर अंत्यविधि करने के लिए भी पैसे नहीं हो, क्योंकि ये जो धार्मिक रीति रिवाज होते हैं और आखिरी जो रसूमात होते हैं वो लोग काफ़ी उसको धार्मिक भावनाओं के साथ करते हैं। तो ऐसे में ये बात कहीं ना कहीं कॉरपोरेटर हजरात को हजम नहीं हो रही है कि ये 65 लाख रुपये खर्च कहाँ किए गए, और फिर ये महानगर पालिका के सम्मान्य सदस्य होने के बाद उनको ये बात
पेपर से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चल रही है। तो आज ये 11 जून को ये निवेदन दिया गया है और मांग की गई है कि जो 65 लाख रुपए का खर्च अंत्यविधि और तदफीन के ऊपर किया गया है, जैसा कि महानगर पालिका ने बताया है, उस पर ये मालूमात मांगी है प्रभाग 6 से एनसीपी के कॉरपोरेटर सैयद इमरान लाला हुसैनी उन्होंने, और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया गया, किन किन लोगों पर खर्च किया गया, कितना खर्च किया गया, इसकी तफसीली मालूमात मांगी गई है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये आने वाले वक्त में जब इसकी मालूमात सामने आएगी, जैसा कि ये 65 लाख रुपए का जो खर्च परभनी महानगर पालिका ने पिछले 1.25 सालों में करने की बात बताई है, और ये पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सम्माननीय सदस्यों को पता चल रही है, तो इससे काफ़ी बड़ा धक्का उन्हें लगा है कि ये 65 लाख रुपए खर्च किन लोगों पर किया गया, कब किया गया, इसकी तफसीली मालूमात परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब से एक निवेदन के ज़रिए मांगी गई है। और ये भी बताया गया है कि अगर ये काम वाकई में हुआ है और आपने ऐसे 1.25 सालों में कितने लोगों को ये मदद की है, अगर ये की है और उन लोगों ने भी बताया कि हाँ ये मदद हमको मिली है, तो ये वाकई सराहनीय काम है और इसमें खुद इमरान लाला हुसैनी भी आगे बढ़कर इसमें भी और भी मदद करने को उन्होंने तैयारी अपनी बताई है। और अगर इसमें कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो उन भ्रष्टाचार करने वालों को, कफन चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी कॉर्पोरेटर इमरान लाला हुसैनी ने बताया। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरेश। दोस्ती मार्ट धमाका ऑफर सेल आ गया है, पूरे परभनी में ढूंढ लो, इससे कम दाम में किराना कहीं नहीं मिलेगा। और साथ ही न्यू यूजर को फर्स्ट ऑर्डर पर पाइए 2000 रुपए की शॉपिंग पर जग और गिलास का सेट फ्री। अभी डाउनलोड करें दोस्ती मार्ट ऐप और फायदा उठाएं। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।